हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मखाना लड्डू की रेसिपी। आप इस लड्डू को बनाकर एक महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे चाहें तो व्रत में भी खा सकते हैं। इस लड्डू को बनाने में आपको केवल 10 मिनट का समय लगेगा और बनाना तो इतना आसान है कि बच्चे तक भी इसे आराम से बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधा कप देसी घी लिया है। ग्राम्स में अगर आप लेते हैं तो 100 ग्राम देसी घी है। इसमें से मैंने एक छोटा चम्मच देसी घी को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। घी गर्म हो जाने पर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पर ये काजू और बादाम लिए हैं, जो कि डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। धीमी आँच पर इसको हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भून कर डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास हैं तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। साथ ही मैंने यहाँ पर ये 2 बड़े चम्मच किशमिश लिए हैं। तो किशमिश को आप लास्ट में ही डालें, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फूलना शुरू हो जाता है। और इसे डालते ही मैंने गैस को बंद कर दिया है। हल्का सा इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ही मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये एक छोटा चम्मच देसी घी और डाल दिया है। और घी गर्म हो जाने पर हम इसके अंदर डाल देंगे 100 ग्राम मखाना। देखने में ये आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वज़न में ये केवल 100 ग्राम है, क्योंकि मखाना जो है वज़न में बहुत हल्का होता है। और इसे खाने के तो हमें ढेर सारे फायदे हैं, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप इसे व्रत में आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए, हल्का सा क्रिस्पीनेस इसके अंदर ना आ जाए और थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर मखाने को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है और आप इसे इस तरीके से तोड़कर चेक कर लीजिए। देखिए कितनी आसानी से मखाना टूट रहा है, थोड़ा क्रिस्पी हो गया, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है इस तरीके से। मखाने को कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे और सेम कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पर ये आधा कप नारियल का बुरादा डाल देंगे। आपके पास अगर नारियल का बुरादा नहीं है तो आप सूखा नारियल ले लीजिए, उसे कद्दूकस करके इसके अंदर डाल सकते हो। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन नारियल का जो बुरादा है वो आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं अक्सर कोई भी रेसिपी इस तरह की बनाती हूँ तो उसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा। इसके अंदर मैंने कोई भी घी वगैरह ऐड नहीं किया है, केवल 2 मिनट के लिए धीमी आँच पर इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसका आपको कोई भी कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। नारियल का बुरादा भूनकर तैयार है, तो इसे भी निकाल देंगे कढ़ाई से। और यहाँ पर हमारे मखाना अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इसे एक मिक्सी जार के अंदर डालकर इसका अच्छे से पाउडर बना लेंगे। अगर मिक्सी जार नहीं है तो आप इसको पोलोथीन के अंदर डालकर ऐसे किसी भारी वजन वाली चीज़ से अगर हल्का सा क्रश करेंगे, बहुत ही आराम से इसका पाउडर तैयार हो जाता है। साथ में हम इसके अंदर गोले का बुरादा डाल देंगे, जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करके लिया है। और मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 3/4 कप बूरा डाल रही हूँ। बूरा यानी तगार। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर दी गई है, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप सिंपल चीनी को पीस कर भी डाल सकते हो। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर ये किशमिश डाल दिए हैं। और काजू और बादाम को हम इस तरीके से हल्का सा कूट कर डालेंगे, इससे लड्डू का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आधा कप में से जो बचा हुआ बाकी देसी घी हमारा है, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। डालकर अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी डाल सकते हो, या फिर यहाँ पर आप दूध भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरीके से आप इसको बाइंड करके देख लें। तो अगर आप चाहें इसके अंदर थोड़ा यहाँ पर घी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फैट इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ। और इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे तब तक कि अच्छी तरह से बाइंड ना होने लगे। देखिए बहुत ही आराम से हमारा मिक्सचर बाइंड हो रहा है। 3 बड़े चम्मच दूध मैंने इसके अंदर डाला है और बहुत ही अच्छे से हमारे लड्डू बाइंड हो रहे हैं। एकदम परफेक्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चिकनाहट मेरे हाथों के ऊपर आ गई है। तो चिकनाई इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी है, तो आप इससे ज़्यादा इसके अंदर ना डालें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो डाल सकते हो। एकदम टेस्टी मखाना लड्डू हमारे सर्व करने के लिए तैयार है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।